हो रही हूँ कि मैं इससे पहले इस जगह पे क्यों नहीं आई। आई एम लविंग दिस प्लेस, बहुत ही प्यारी जगह है ये। हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम JBR जा रहे हैं। जाना तो हमने वहाँ सनसेट देखने के लिए था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक कितनी ज़्यादा थी, आगे जाके आप देखेंगे कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। हमें रास्ते में ही सनसेट हो गया, लेकिन वो सनसेट का सीन इतना ज़बरदस्त था कि ये देखिए सारी ट्रैफिक जैम हुई हुई है। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया। दुबई में आप सनसेट को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे आप बीच पे जाके देखें तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आप खैर यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो जब हम JBR पहुँचे तो तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम था, और इस तरह से यहाँ से ये समंदर सामने से स्टार्ट हो गया है। वो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये सामने आई दुबई फ्रेम नज़र आ रहा है आपको। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने दुबई के वीलॉग स्टार्ट किए हैं कि आपने इस तरह के वीलॉग दुबई के पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। मुझे मॉल से हट के और व्यूज़ का ज़्यादातर वीलॉग बनाने का बहुत मज़ा आता है, तो मैं आप लोगों के लिए ये वेलकम बैक टू माई चैनल। गिर चली थी, आज हम दुबई आए हैं। गाड़ी हमने नीचे लगाई है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं एलिवेटर से। बड़ा खूबसूरत सीन है होने वाला है, स्टे ट्यून्ड विद मी। यहाँ पे मैं बिजनेस जगह गई थी और सारा मैंने बोल बोल के कमेंट्री की हुई थी, लेकिन पीछे म्यूज़िक चल रहा है, गाने चल रहे हैं, तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो मुझे मजबूरन उसको म्यूट करके तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। हालांकि उस टाइम पे जो मैंने वॉइस ओवर किया था वो बहुत ही कमाल है, लेकिन बहरहाल चलें, गुजारा तो करना ही है, यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता। ये देखें कितनी ज़बरदस्त प्लेस है। हम आई दुबई की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में जो मॉल है वहाँ पर हम रुके हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपको लेडी गागा का स्टैचू नज़र आएगा, वैक्स स्टैचू है, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये चेक करें ज़रा, इसके साथ खड़े होके हमने तस्वीरें बनवाई। ये मॉल से हम बाहर निकले हैं, तो ये देखें, ये सामने राइट नाउ बिल्कुल मेरे सामने आई दुबई, क्या ज़बरदस्त सीन है। बहुत ही ह्यूज किस्म का ये कंस्ट्रक्टेड कोई शाहकार है, बहुत ज़बरदस्त है ये, सो ह्यूज। इतने ज़्यादा इसमें ये इन्होंने ये बनाए हुए हैं डोलियाँ जिनको हम बोलते हैं, और ये इसके इर्द-गिर्द रेस्टोरेंट्स वगैरह बैठने की जगह है। यहाँ पे सॉन्ग्स काफ़ी ऊंचे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे इसको आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। ये देखें ये कितना ह्यूज है कि मेरे कैमरे के अंदर आ ही नहीं रहा, और मेरा ख्याल है इसके अंदर ये 400-500 ये वाले हैं बने हुए बैठने के लिए। ये नीचे सिटिंग एरिया है। अभी राइट नाउ इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये बंद है, अदरवाइज़ ये जब चल रहा होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये हमारे सामने बिल्कुल ब्लू सी, इसको ब्लू वाटर बोलते हैं। आज क्योंकि वीकेंड है तो आगे जाके काफ़ी रश भी मिलेगा हमें। ये सी के इर्द-गिर्द इस तरह से बिल्डिंग्स हैं। ये समंदर में यॉट्स चल रही हैं। ये लेफ़्ट साइड पे उन्होंने कुछ फाउंटेन वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ सिटिंग एरिया है, और ये ऊपर आई दुबई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आई होप कि जब लोग ऊपर जाते होंगे आई दुबई में झूले लेते होंगे, ऊपर जाते होंगे, जब वो नीचे देखते होंगे तो उनको बहुत ही मज़ा आता होगा। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है यहाँ से।
इस जगह का नाम एन दुबई भी है और ब्लू वाटर या ब्लू सी भी है। मैं जगह का नाम इसलिए साथ साथ मेंशन करती रहती हूँ कि अगर किसी ने जाना हो, विज़िट करना हो, तो आसानी से मेरी वीडियो देख के वहाँ तक पहुँच जाए। ये सामने सारा JBR का इलाका है और उसकी बिल्डिंग्स हैं ये सारी, और यहाँ पे ये वॉक करने के लिए जगह है। अभी हम इसी तरफ ही जाएंगे वॉक करते हुए। मन हो रही हूँ कि मैं इससे पहले इस जगह पे क्यों नहीं आई। आई एम लविंग दिस प्लेस, बहुत ही प्यारी जगह है ये। मुझे तो वैसे ही समंदर से इश्क है, यहाँ आके और ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बड़ी प्यारी जगह है ये। सामने कोई शो हो रहा है, लाइट शो का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस समंदर को ब्लू वाटर कहते हैं, ब्लू वाटर। यहाँ पे इस तरह से ये फ्रूट जूसेस वगैरह के और आइसक्रीम के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह की शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट हैं, और ये ऊपर ये पिंक से लगे हुए हैं। मैंने समझा शायद ये कोई राइड्स हैं, लेकिन ये सारे उन्होंने डेकोरेशन के लिए लगाए हैं, खूबसूरती के लिए लगाए हुए हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी, आइसक्रीम खाई है तो थोड़ा गला बैठ गया है। उसके नाम से रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं लोग और कपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी मेमोरी बड़ी स्टक कर रही है, नहीं तो यहाँ पे एक भी सीन छोड़ने वाला नहीं है। सबका सब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है ये जगह। ये देखिए ब्लू वाटर, हवा भी चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का, बहुत ही कमाल का मौसम है। और वो रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, खबर रेस्टोरेंट। ऑल द वे सी क्रॉस किया, दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये है यहाँ पे झूले वगैरह सब, ये राइड्स। बीच से हम उतरे हैं तो हम एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर आए हैं। रेस्टोरेंट का नाम चेक करें, डेंजरस, एक और खूबसूरत जगह JBR। Thank you.
देखने में कितना अच्छा है। तो